हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2003 में आई एक अंडररेटेड फ्रेंच हॉरर फिल्म डेड एंड का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं जीन बैप्टिस्ट एंड्रिया और फैब्रिस कैनेपा। नाम से लग रहा है कि ये कोई स्लैशर होगी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है, आप इसे जरूर चेक करना। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक फैमिली को जो कि क्रिसमस के लिए कहीं पर जा रहे हैं। फैमिली में है फ्रैंक, उसकी वाइफ लॉरा, जिसका रोल किया है लिन शेने, जिन्हें आप जानते होंगे इंसिडियस से, उनका नालायक बेटा रिचर्ड, बेटी मैरियन और मैरियन का बॉयफ्रेंड ब्रैड। ये सब जा रहे हैं लॉरा की मॉम के घर, जो कि हर साल जाते हैं। लेकिन इस बार एक चीज अलग है, वो ये कि इस बार हाईवे के बजाय फ्रैंक एक शॉर्टकट से जा रहा है। और ऐसा उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सालों से एक ही रास्ते से जाकर वो बोर हो गया था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना कुछ न्यू ट्राई किया जाए। कैरी अपने रिलेटिव्स के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर जा रहे हैं, जो कि इन्होंने बाय किए हैं कैश करो का यूज करके, यानी कि स्मार्ट शॉपिंग करते हैं। तो ये नए साल का मंथ है और ये तो हम सभी सोचते हैं कि इस साल हम शॉपिंग कम करेंगे और पैसे ज्यादा बचाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। शॉपिंग हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन पैसे जरूर बचा सकते हैं कैश करो यूज करके। कैश करो इंडिया की बिगेस्ट कैशबैक ऐप है, जिसे फंड किया है खुद मिस्टर रतन टाटा ने। इसमें आपको कैशबैक तो मिलेगा ही, साथ ही एक्साइटिंग ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी मिलेंगे अमेजोन, अजियो, मिंट्रा जैसी वेबसाइट्स पर। इनके अलावा 1500 प्लस वेबसाइट्स और भी हैं जिन पे आप शॉपिंग कर सकते हो। इसमें मिलने वाला कैशबैक एकदम रियल कैश है, जिसे आप सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर कन्वर्ट कर सकते हो अमेजोन गिफ्ट वाउचर में। कैश करो को यूज करना एकदम सिंपल है, बस डिस्क्रिप्शन या पिंड कमेंट में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो या फिर सीधा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी कर सकते हो। बस साइन अप करते वक्त मेरा कोड C25 यूज कर लेना, क्योंकि इससे आपको ₹25 का इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा, जो कि आप मिस नहीं करना चाहोगे। इसके बाद अपनी पसंद की वेबसाइट चूज करो, फिर ऑरेंज बटन पर टैप करो, इससे आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। अब बस जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करते हो वैसे करो, कुछ भी फैंसी आपको नहीं करना। प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करो और पेमेंट करो। इसके बाद आप कैश करो के माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। कैशबैक कन्फर्म होने के बाद आप या तो उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना या फिर अमेजोन गिफ्ट वाउचर में, जैसा आपको ठीक लगे। तो कैश करो एक मस्ट हैव ऐप है, इसे एक बार ट्राई जरूर करना। तो वापस आ जाते हैं स्टोरी पर। फ्रैंक ड्राइव कर रहा था और बाकी सब आराम से सो रहे थे, लेकिन उन सबको देखकर फ्रैंक को भी नींद आने लगी थी। कब कब में उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। तभी अचानक सामने से एक कार आ जाती है जो कि ऑलमोस्ट उनसे टकराने वाली थी, लेकिन तभी मैरियन की आंख खुल जाती है और वो चिल्लाकर अपने डैड को जगाती है, जिस वजह से वो बाल बाल बच जाते हैं। लॉरा के सर के पीछे दर्द हो रहा था, लेकिन वो सब एकदम सही सलामत थे। फ्रैंक बाहर जाकर कार को चेक करता है और कार भी एकदम ठीक थी, इसलिए वो फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। अब फनी बात यह है कि नींद की वजह से फ्रैंक हाईवे से नहीं गया, लेकिन नींद तो उसे यहाँ भी आ गई। मैरियन कहती है कि मैं ड्राइव कर लेती हूँ, आप थोड़ी देर सो जाओ, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है क्योंकि अपनी कार वो किसी और को चलाने नहीं देता, चाहे उसकी फैमिली क्यों ना हो, ये उसका रिकॉर्ड है। उस रोड पर आगे बढ़ते हुए उन्हें काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो कहीं भी नहीं पहुंचे और ना ही उन्हें कोई और व्हीकल दिखाई दिया। फ्रैंक कहता है कि क्रिसमस ईव पर सब अपने घरों में होंगे, इसलिए रोड खाली है। तभी रास्ते में उन्हें कैबिन दिखाई देता है और वो खुश थे कि चलो कुछ तो दिखाई दिया। तभी अचानक फ्रैंक कार रोक देता है क्योंकि जंगल में उसे व्हाइट कपड़े पहने एक औरत दिखाई दी। वो सब उसे पागल बता रहे थे कि तभी वो औरत उनके पास आ जाती है और उसके हाथ में उसका बच्चा भी था, साथ ही उसके माथे पर एक कट भी है। वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, इसलिए फ्रैंक समझ जाता है कि वो परेशानी में है। ब्रैड के पास फोन था, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे। तब फ्रैंक कहता है कि पीछे एक कैबिन था, उसके अंदर फोन जरूर होगा। वो रिचर्ड को उतरने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं हिलता। तब मैरियन उतरती है और वो उस लेडी को बैठा कर चल देते हैं वापस कैबिन की तरफ। मैरियन पैदल आ रही है और से मैं स्मार्ट फैसला तो नहीं कहूंगा। आधी रात को भी जंगल में सुनसान रोड पर आपको व्हाइट कपड़े पहने एक औरत मिले, जो कि कुछ बोल नहीं रही और से अपनी बेटी की जगह कार में बैठा कर आप चल दो, अपनी बेटी को उसकी जगह अकेला छोड़कर। फादर ऑफ द ईयर अवार्ड इसे जाना चाहिए। खैर, अचानक कार में काफी ज्यादा बुरी स्मेल हो गई थी, जो कि आ रही थी उस बच्चे के अंदर से। कैबिन पर पहुंच कर फ्रैंक और लॉरा तो अंदर चले जाते हैं चेक करने। रिचर्ड चला जाता है जंगल में अपने काम निपटाने। अब बस ब्रैड अकेला उस औरत के साथ रह गया था। कैबिन के अंदर कुछ खास नहीं था सिवाय टूल्स के, लेकिन किस्मत से वहां पर एक फोन भी था, जो कि बदकिस्मती से खराब था। बाहर ब्रैड उस औरत को बता रहा था कि आज वो मैरियन को शादी के लिए प्रपोज करेगा, जबकि उधर मैरियन तैयारी कर रही है ब्रैड से ब्रेकअप करने की। ब्रैड बातें किए जा रहा था, लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो उसके बच्चे का नाम पूछता है, जिसका जवाब उसे नहीं मिलता, लेकिन कुछ देर बाद अचानक वो अपने आप बोलने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी का नाम है एमी। वो उसे ब्रैड के हाथ में दे देती है। तब वो कहता है कि मुंह तो इसका ढका हुआ है, सांस इसे कहां से आ रही होगी। तो वो औरत कहती है कि चिंता मत करो, ये मर चुकी है। ब्रैड सोचता है कि भला ये कैसा मजाक हुआ। वो कपड़ा हटाकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वो बच्ची सच में डेड थी, उसका फेस बुरी तरह क्रश था। ब्रैड की चीख सुनकर वो तीनों वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ब्रैड और वो औरत दोनों गायब हैं। उधर मैरियन के सामने से अचानक एक हर्ष गुजरती है, जिसके अंदर ब्रैड कैद था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था और उस कार को कहते हैं जिसके अंदर कॉफिन्स को ले जाया जाता है।
ये देखकर मैरियन भागकर अपनी फैमिली के पास जाती है और उन्हें बताती है कि कोई ब्रैड को लेकर जा रहा है। ये सुनकर वो भी फुल स्पीड में उनके पीछे निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई हर्ष नहीं मिलती जबकि वो काफी स्लो जा रही थी। अचानक फ्रैंक कार रोक देता है क्योंकि रास्ते में उसे कुछ दिखाई दिया। वो टॉर्च लेकर चेक करने जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो ब्रैड की कटी फटी लाश थी जो कि हमें नहीं दिखाई गई। उसे देखकर मैरियन शॉक में चली गई थी क्योंकि अब उसे भारी रिग्रेट होगा। बाकी सब भी खुद को संभाल रहे थे और संभालते हुए वो ब्रैड के चीथड़ों में से उसका फोन निकालते हैं पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन लाइन पर पुलिस के बजाय एक औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो। ये सब सुनकर लॉरा और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए उसने फोन भी फेंक दिया और किसी को कुछ बताए भी नहीं। उसने बताया कि फोन खराब हो चुका है। ब्रैड की बची कुची बॉडी को रोड से हटाकर वो सब वहाँ से निकल रहे थे। तब रिचर्ड कहता है कि उस औरत का क्या, वो भी तो खतरे में होगी, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन फ्रैंक कहता है कि वो अपना अपने आप देखे, हमें जल्द से जल्द पुलिस के पास जाना है। वो सब वहाँ से चल देते हैं और फ्रैंक के मुताबिक 15 मिनट में वो लॉरा की मॉम के घर पहुँच जाएंगे। रास्ते में उन्हें मार्कोट का बोर्ड दिखाई देता है जिसके बारे में फ्रैंक ने आज से पहले नहीं सुना। उसका नाम तो मैप पर भी नहीं है। फ्रैंक लोकल मैप मांगता है जो कि लॉरा नहीं लाई क्योंकि आज से पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये सुनकर फ्रैंक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जबकि बिना बताए शॉर्टकट उसने लिया। खैर अब चाहे वो उस टाउन को जानते हो या ना जानते हो, उन्हें हेल्प चाहिए जो कि वहीं पर जाकर मिल पाएगी, इसलिए वो चल देते हैं मार्कोट की तरफ। उन्हें ड्राइव करते हुए काफी टाइम बीत जाता है लेकिन वो कहीं भी नहीं पहुंचते और अब तक उन्होंने एक भी कार नहीं देखी। फ्रैंक वही क्रिसमस वाला लॉजिक देता है लेकिन रिचर्ड उसकी नहीं मानता। वो देखता है कि 7:30 बज रहे हैं और जब इन्हें वो औरत मिली थी तब भी 7:30 ही बज रहे थे। लॉरा की वॉच भी 7:30 पर रुकी है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। घंटों से एक ही रोड पर ड्राइव कर रहे हैं और अब तक कहीं भी नहीं पहुंचे। ऊपर से सारी घड़ियां भी एक ही टाइम पर रुकी हुई हैं। रिचर्ड समझ गया था कि असल में हो क्या रहा है। यहाँ वो अपनी फैमिली को बताता है एलियंस की थ्योरी जो कि उसके पेरेंट्स के पल्ले नहीं पड़ती, और मैरियन तो अब तक शौक में है। वो तो आराम से बैठकर जिंगल बेल्स गा रही है। यहाँ लॉरा की आंख लग जाती है और जब वो सोकर उठती है तब तक भी वो मार्कोट नहीं पहुंचे थे। अचानक फ्रैंक दोबारा कार रोक देता है क्योंकि रोड के बीचों बीच एक बेबी कैरेज था। रिचर्ड जाता है उसे चेक करने, तभी कोई उसे अंदर खींच लेता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स की हालत खराब हो गई थी, लेकिन ये उसका स्टूपिड सा प्रैंक था। फ्रैंक जाकर उसे हटाता है और यहाँ वो एक गिफ्ट खोल लेता है जिसके अंदर वाइन थी। अभी वो फिगर आउट कर रहे थे कि आगे क्या किया जाए, तभी वो देखते हैं कि वो बेबी कैरेज फिर से वहीं पर आ गया। वो सोचते हैं कि शायद ये भी रिचर्ड का काम है, लेकिन ये उसने नहीं किया। तब एक और बार उसे रास्ते से हटाकर वो वहां से निकल जाते हैं। फ्रैंक रेडियो ऑन करता है तो उसमें बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अब टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ फ्रैंक और लॉरा के बीच में झगड़ा हो जाता है जो कि ऐसे हालात में होना ही था। तभी अचानक कार का टायर पंचर हो जाता है और शॉक पे एक और शॉक देने के लिए मैरियन बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब फ्रैंक टायर चेंज कर रहा था और रिचर्ड चला गया था जंगल में अपने काम निपटाने। तभी उसके पास वही औरत आ जाती है और उसने रिचर्ड का होठ ही चीर दिया। उधर उन सबके सामने से वही हर्ष गुजरती है और इस बार उसके अंदर कैद है रिचर्ड। वो बहुत कोशिश करते हैं उसे रोकने की, लेकिन उनका कोई जोर नहीं चलता। तो फ्रैंक जल्दी से कार लेकर आ रहा था तभी उसे वही औरत दिखाई देती है, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गई थी। वो समझ जाता है कि उसी का काम है। कार लेकर वो हर्ष के पीछे जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें दोबारा रुकना पड़ता है क्योंकि इस बार उन्हें बॉडी मिली है रिचर्ड की, जिसे देखकर लग रहा है कि उसे जलाकर मारा गया। लॉरा को लग रहा था कि शायद ये भी उसका कोई फालतू सा प्रैंक है। कहने का मतलब ये है कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है, जबकि मैरियन अब होश में आ गई। रिचर्ड की बॉडी को कार में डालकर वो एक और गिफ्ट खोलते हैं जिसके अंदर थी एक शॉटगन। अब ये इनके काम आएगी। बाकी गिफ्ट्स को वहीं पर छोड़कर वो आगे बढ़ जाते हैं और लॉरा तो पूरी तरह पागल हो चुकी है। उसने ये बात एक्सेप्ट नहीं की कि रिचर्ड अब नहीं रहा। वो मैरियन को ब्रैड की एक अच्छी सी ड्राइंग भी बनाकर देती है। रास्ते में फिर से मार्कोट का बोर्ड आता है, लेकिन टाउन अब तक नहीं आया। फ्रैंक कहता है कि हमारे टाउन पहुंचने से पहले कहीं वो औरत हमें भी ना मार दे। वो मैरियन को बताता है कि वो औरत एक भूत है। बचपन में उसने ऐसी कहानियां सुनी थी कि जो लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं वो रोड पर ही भटकते हैं। अब रास्ते में उन्हें फिर से रुकना पड़ता है क्योंकि उल्टा सीधा खाने की वजह से लॉरा की हालत खराब हो गई थी। वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे और इतने में लॉरा के हाथ लग जाती है वो शॉटगन जो कि उसे खिलौना लग रही थी। उन दोनों की जान हलक में आ गई। वो उसे समझा रहे थे लेकिन वो नहीं समझ रही। तब फ्रैंक उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, इसलिए गोली आकर उसे लग जाती है। खैर वो बच गया क्योंकि गोली लगी उसके पैर में, लेकिन अब हॉस्पिटल जाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया। लॉरा तो सो गई और दर्द मिटाने के लिए फ्रैंक बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है। वो कहता है कि शायद मार्कोट कोई मिलिट्री बेस है और ये कोई मिलिट्री रोड है, इसलिए मैप पर नहीं है। यहाँ मैरियन भी सो गई। जब वो जागती है तो उसका डैड गायब था। वो घबरा गई थी लेकिन वो कार के बाहर ही था। अपना दिमाग लड़ाकर वो बताता है कि 1 घंटे के अंदर ही हम मार्कोट पहुंच जाएंगे। ये सुनकर मैरियन खुश हो गई थी और लगता है कि अब लॉरा भी ठीक हो गई। वो काफी समझदारी वाली बातें कर रही थी जिन्हें सुनकर वो दोनों भी खुश हो गए थे। लेकिन तभी वो कहती है कि जंगल में ये लोग कौन है। बस इतना कहते ही वो उसे लेकर चल देते हैं। जंगल में उसे लोग दिखाई दे रहे थे जिनमें उसकी फ्रेंड भी थी जो कि 20 साल पहले मर गई थी। वो फ्रैंक को कार रोकने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं रोकता, तो वो चलती कार से कूद जाती है। जल्दी से कार रोककर वो उसे चेक करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। अचानक फ्रैंक देखता है कि वो हर्ष उनकी तरफ आ रही है।
जल्दी से शॉटगन लाकर वो उसे शूट करता है तो वो वापस चली जाती है और अचानक लॉरा भी प्रकट हो गई, लेकिन उसकी हालत काफी खराब है। वो कहती है कि मेरा सर दुख रहा है क्योंकि उसके सर में एक बड़ा सा घाव हो चुका है जिसमें से उसका दिमाग बाहर आ रहा है। यहाँ पर लॉरा भी मर गई। फ्रैंक को लगता है कि शायद उसने गलती से लॉरा को शूट कर दिया, इसलिए वो खुद को भी मार रहा था। तब मैरिन उसे रोकती है। वो तो होप खो चुका था, लेकिन मैरिन कहती है कि जब भी हम रुकते हैं तभी कोई मरता है, इस बार हम रुकेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर वो शॉटगन फेंक देता है और गिरते ही वो फायर हो जाती है और गोली सीधा जाकर लगती है लॉरा की बॉडी में। उसकी बॉडी को कार में डालकर वो आगे बढ़ जाते हैं और इस बार ड्राइविंग कर रही है मैरियन। इस एक रात ने काफी कुछ बदल दिया। अब उन्हें ड्राइव करते हुए एक घंटे से ज्यादा बीत गया, लेकिन वो कहीं भी नहीं पहुंचे। फ्रैंक पिए जा रहा था इसलिए मैरियन उसकी बॉटल बाहर फेंक देती है और अब जाकर उसका दिमाग चला। वो कहता है कि ड्राइविंग का कोई फायदा नहीं, चाहे हम कितना भी ड्राइव कर लें हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि शायद यहाँ से निकलने का रास्ता रोड नहीं बल्कि जंगल है। आइडिया काफी खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करते हैं। अब जंगल के रास्ते वो आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते हुए उन्हें मिल जाती एक फेंस। उसे पार करते ही उन्हें एक लाइट दिख गई थी, यानी कि वो बच जाएंगे। वो दोनों भागकर उस लाइट तक जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ गए थे क्योंकि वो लाइट थी उनकी कार की। घूम फिरकर वो वापस अपनी कार तक आ गए। फ्रैंक कहता है कि कार लॉक्ड है तो फिर लाइट किसने जलाई। उसे लग रहा है कि कहीं लॉरा भी भूत तो नहीं बन गई। वो कसम खाता है कि कार में नहीं जाएगा, लेकिन अगले ही पल वो कार में थे क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। एक पेपर पर वो लिख रहा था कि ये सब खत्म होने के बाद वो क्या क्या करेगा। तभी अचानक वो कार रुकवाता है क्योंकि वो फिर से उसी कैबिन पर पहुंच गए जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो अंदर जाता है तो वहां उसे मिलती है वही औरत जिसे देखकर वो चिल्लाने लगा था। मैरिन वहां पहुंचती है तो वहां कोई भी नहीं था। वो उसे लेकर जा रही थी, लेकिन अब वो भी अपना आपा खो रहा है। उसके बर्ताव में भारी बदलाव आ गया। बिना बात के मैरिन को मार मार कर वो बेहोश कर देता है। तब उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया। मैरिन को कार में डालकर वो शॉटगन उठाता है और निकल जाता है जंगल में उस औरत के पीछे। ऐसे गोली चलाते चलाते वो भी अंधेरे में कहीं खो गया। मैरिन को होश आता है तो वो देखती है कि बाहर वही औरत है जो कह रही है कि तुम्हारा डैड मर गया। वो जल्दी से कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है, लेकिन आखिरकार कार का फ्यूल खत्म हो गया। अब वो पैदल ही आगे जा रही थी तभी रास्ते में उसे मिलता है फ्रैंक का पेन। जैसे वो उसे उठाती है उसके ऊपर खून गिरने लगता है। आगे उसे बॉडी बैग्स मिलते हैं जिनके अंदर उसके फैमिली मेंबर्स की बॉडीज थी। वो उन्हें देख रही थी तभी वो हर्ष वहां पर आ जाती है। उसे देखकर वो भागती है, तभी उसके सामने आ जाती है वो औरत जो कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं आया। ये कहकर वो खुद उसमें जाकर बैठ जाती है और वो हर्ष वहां से चल देती है। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और हम पहुंच जाते हैं उसी मोमेंट पर जब इसका डैड सो गया था और इनकी कार क्रैश होने वाली थी, यानी कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा वेट करो। वो चिल्लाकर अपने डैड को जगाती है और वो जाग भी जाता है, लेकिन कार को संभाल नहीं पाता। या मैरिन सच में जागती है और खुद को पाती है हॉस्पिटल में। डॉक्टर उसे बताती है कि कुछ घंटों से वो कोमा में थी और अब जाकर उसे होश आया। अब वो भी ठीक है और उसके पेट में बच्चा भी। बाहर एक आदमी डॉक्टर से पूछता है कि क्या मैरिन ठीक है। इस आदमी को ही मैरिन मिली थी। अब हुआ ये था कि इसके डैड की आंख लग गई थी जिस वजह से इनकी कार सामने से आ रही कार में क्रैश हो गई और इसकी पूरी फैमिली उस क्रैश में मारी गई। साथ ही जो कार सामने से आ रही थी उसके अंदर एक औरत और उसकी बेबी थी, वो दोनों भी क्रैश में मारे गए। और वो वही व्हाइट कपड़े वाली औरत और उसकी बेटी एमी थे। जिस डॉक्टर ने मैरिन को बचाया उसका नाम है हेलन मार्कॉट। वो अपने घर जा रही है लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही। तब वो आदमी उसे लिफ्ट देता है और बताता है कि वो एक कलेक्टर है। वो उसके साथ बैठकर चल देती है और हम देखते हैं कि ये वही हर्ष है जिसमें उन सबको कैद करके ले जाया जा रहा था। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है, लेकिन आगे एक छोटा सा सीन है जिसमें उस क्रैश वाली जगह की सफाई की जा रही है और वहां पर एक नोट मिलता है जो कि वही नोट है जो फ्रैंक लिख रहा था। यहां पर ये मूवी एंड हुई सर को पूरी तरह चकरा कर। तो अब जरा समझ लेते हैं कि इसमें क्या हुआ। एंड में हमें बताया गया कि जो कुछ भी हमने देखा वो कभी हुआ ही नहीं था। मैरिन कोमा में थी और वो ये सब देख रही थी, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। असल में जब कार क्रैश हुई तो वो सब एकदम नहीं मरे, वो सभी कोमा में थे, यानी कि जिंदगी और मौत के बीच थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम सब सोचते हैं कि आखिर कोमा में क्या होता होगा, तो वही दिखाने का ट्राई इसमें किया गया। 7:30 बजे क्रैश हुआ और उन सबका टाइम वहीं पर रुक गया। उसी मोमेंट में वो इतना सब कुछ कर रहे थे क्योंकि शायद कोमा में टाइम मैटर नहीं करता। वो सभी वहां से निकलना चाहते थे, यानी कि कोमा से, लेकिन रास्ता उन्हें कहीं भी लेकर नहीं जा रहा था क्योंकि चोटें उन्हें काफी भारी आई थी। उनका इस दुनिया को छोड़कर जाना तय था। ब्रैड के तो चीथड़े हो गए थे, इसलिए बस कुछ ही देर उसके दिमाग ने काम किया, फिर वो मर गया। उसके मरते ही वो आदमी उसे ले गया जिसने खुद को कलेक्टर बताया था, यानी कि वो यमराज था जो कि मरे हुए लोगों को लेकर जा रहा था, यानी कि उनकी आत्माओं को। तो सबसे पहले दम तोड़ा ब्रैड ने। इसके बाद उन सबको होप मिली जो कि थे डॉक्टर मार्कॉट, यानी कि तब उन सबको हॉस्पिटल लाया गया होगा। मार्कॉट के बोर्ड का यही मतलब था, लेकिन वो रिचर्ड को नहीं बचा पाई क्योंकि वो पूरा जल गया था। इसके बाद मरी लॉरा क्योंकि उसके सर के पीछे होल था जिसमें से उसका दिमाग बाहर आ चुका था। आपको याद होगा जब फ्रैंक ने कार क्रैश होने से बचाई थी तब भी लॉरा के सर के पीछे दर्द हो रहा था। वो क्लियर साइन था कि रियलिटी में इसके सर के पीछे चोट आई है। इसके बाद दम तोड़ा फ्रैंक ने और उसके बाद तोड़ा उस औरत ने। अलग उसकी बेबी काफी पहले मर चुकी थी। उसी की चीखें रेडियो पर सुनाई दे रही थी और फोन पर भी वही औरत थी। अब आप कहोगे कि फोन पर वो कैसे थी,
तो आपको बता दूं कि जब जब वो सब सो रहे थे या बेहोश हो रहे थे, उसका मतलब ये था कि वो उस दुनिया से निकल कर बाहर आ रहे थे, यानी कि रियलिटी में उन्हें होश आ रहा था। डोरा को भी आया था और मैरिन को भी, और सबसे ज्यादा तो वो औरत ही गायब रही, यानी कि सबसे ज्यादा होश में वही थी। तो इसमें काफी अच्छे से दिखाया गया कि जिंदगी के बाद और मौत से पहले क्या होता होगा, और दिखाने का तरीका भी काफी इफेक्टिव था। लेकिन अगर ये सब रियलिटी में नहीं हुआ तो फिर लास्ट में वो नोट कैसे मिला, क्योंकि वो तो फ्रैंक ने तभी लिखा था जब वो भटक रहे थे। उसे दिखाकर एक पॉसिबिलिटी बनाई गई है कि शायद ये सब सच में उनके साथ हुआ था, लेकिन आप इसे ज्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि ये बस हमारा दिमाग घुमाने के लिए किया गया। आखिर में वो इमराज डॉक्टर को भी ले गया, तो क्या वो भी मर गए इन सबको बचाते बचाते, और उसे इमराज ने ही एक्सीडेंट रिपोर्ट किया था। मूवी में बताया गया कि बाकी सब वहीं पर मर गए थे और सिर्फ मैरिन ही जिंदा थी, क्योंकि वो कार से निकलकर बाहर गिर गई थी। तो ये कुछ प्लॉट होल्स हैं। अगर आप कोमा वाले एंगल पर यकीन करो तो ये बातें सेंस नहीं बनाती, क्योंकि अगर वो सब पहले ही मर गए थे तो उन्हें मारकोट का बोर्ड क्यों दिखा। ये बस कुछ गलतियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन्हें इग्नोर करोगे तभी ये मूवी इफेक्टिव रहेगी। तो अब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। क्रैश हुआ, वो सब मौत से लड़ते रहे, मरते रहे और जाते रहे। मैरिन और उसके बच्चे की मौत नहीं लिखी थी, इसलिए वो बच गए। अब असल में उनकी बॉडीज तो वहीं पर पड़ी थी, जो स्ट्रगल कर रही थी वो उनकी आत्माएं थी, जैसे कि एक पैरेलल स्पिरिट वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है वैसा ही। इस फिल्म को कई सारे अवार्ड्स मिले थे, जबकि ये थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई, और हैरानी वाली बात यह है कि इसके बावजूद भी पैसा कमाने में इसने रिकॉर्ड बनाया। इसने 77 मिलियन डॉलर्स कमाए सिर्फ डीवीडीज पर। अब आप अंदाजा लगा लो कि कितनी डीवीडीज बिकी होंगी अमेरिका में, और ये हुआ सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से। यानी कि अगर मैंने इसकी डीवीडी बाय की और आगे किसी और को रिकमेंड किया तो उसने भी बाय की, और ऐसी ये चेन चलती रही। इसका पूरा श्रेय जाता है उसे एक आखिरी ट्विस्ट को, जिसने इस मूवी की वैल्यू बढ़ा दी, और वैसे भी एक अच्छी खासी क्रिसमस मूवी है। इसमें बहुत ज्यादा डार्क ह्यूमर भी है, जो कि हर एक इंसान के दिमाग में आता है, भले सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो। उल्टे सीधे जोक्स हमारे दिमाग में जरूर आते हैं। मूवी की एक अच्छी खासी कल्ट फॉलोइंग है, लेकिन वो खुद इसका नाम नहीं लेते, क्योंकि जब तक ये ऐसी है तब तक ही ठीक है। अगर गलती से इसका सीक्वल आया तो इसकी वैल्यू भी गई समझो। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और साथ ही आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी, क्या आप इसका ट्विस्ट गैस कर पाए थे, और अगर आपके पास कोई थ्योरी है तो वो भी जरूर बताना। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको कैद करके यहाँ ले आए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बात कुछ जाने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और गाइस, कैश करो एक ऑल इन वन ऐप है, जो आपको लिटरली शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रही है, तो देर किस बात की। कैश करो को डाउनलोड करो और मेरा कोड CZ25 यूज करना मत भूलना, उससे आपको 25 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो एक बार ट्राई करके देखो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले सबको बाय।